आपके साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर महाराष्ट्र में इक्कीस अक्टूबर को चुनाव होने हैं लेकिन देखा जाए तो पार्टियों में जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के तो नहीं लग रहे हैं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए जो मुद्दे हैं वो क्षेत्र के होने चाहिए लेकिन जो मुद्दा बन रहा है उसमें केंद्र सरकार को ढाल बनाया जा रहा है मोदी के नाम पे वोट मांगे मांगने मांगे जा रहे हैं वही देखा जाए तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अमन जी अमन जी स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस जैसे देखा जाए तो विधानसभा में जो मुद्दा होना चाहिए था वो क्षेत्र के लिए होना चाहिए था लेकिन अब केंद्र सरकार को ढाल बनाया जा रहा है इसमें आप क्या कहें देखिए बिल्कुल श्रुति और जाहिर सी बातें महाराष्ट्र में चुनावों का दौर है और बाकी दो राज्यों में चुनावों का दौर है चाहे हम हरियाणा की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें दोनों में पूर्णता चुनाव होने जा रहे हैं इक्कीस अक्टूबर को तो जाहिर बातें कहने की सारी जो जनता की उम्मीदें आशाएँ सरकार से होती हैं और बिल्कुल इसमें आपका जो प्रश्न है वाजिब है कि आखिर क्यों अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाय सीधा मोदी जी के नाम पर या मोदी जी का नाम लेकर या पी मोदी का नाम लेकर जो है वोट मांगने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लगातार हम देखें तो जो राज्य स्तर की पार्टियाँ हैं वो अपने काम को दर्शाने के बजाय जो केंद्र में सरकार है या केंद्र में जो पीएम मोदी है उनको ढाल बनाकर कहने के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल और बड़े सारे मुद्दे हैं अगर महाराष्ट्र की आप बात करें चाहे किसानों की बात करें चाहे आप रोजगार की बात करें तमाम सारी चीज़ें जो लगातार परेशानी का सबब लोगों के लिए बनती रही है और क्या सरकार उन मुद्दों पर बात करेगी क्या सरकार उन चीज़ों पर बात करेगी क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे उठते रहे हैं और निशाना साधते रहे हैं एन सी और कांग्रेस पार्टी लेकिन क्या इन दोनों पार्टियों के अंदर वो दमखम है कि विपक्ष के मुद्दों को या जो विपक्षी नाते जो मुद्दे इस समय राज्य के हैं उनको सामने रख पाए क्योंकि लगातार हम देखें तो जो विपक्षी दल हैं वो भी डिफेंसिव होते हुए नजर आते हैं वो भी उतना आक्रमकता के साथ में मुद्दों को नहीं रख पाते क्योंकि अगर हम देखें तो जो जातिगत समीकरण हैं जो क्षेत्रवाद वाले समीकरण हैं जो सामुदायिक समीकरण हैं उन्हीं को लेकर जो है पार्टियां काम करती हैं और उन्हीं के आधार पर वोट देने की अपील भी करती हैं लेकिन हाँ आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अब वो वक्त है जब हम समूचे देश को विकास की लहर में ले आ सकते हैं विकास के नाम पर आगे बढ़ा सकते हैं महाराष्ट्र चूँकि देश का दूसरा बड़ा राज्य है अगर हम देखें और तमाम बड़ी दो सीटें वहाँ से आती हैं विधानसभा की और तकरीबन अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो अड़तालीस सीटें वहाँ से आती हैं तो एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र अब ऐसे में क्या जो मुख्यमंत्री हैं शिवसेना है बीजेपी है क्या ये जो राज्य का जो कुनबा है उनका क्या वो अपना जो रिपोर्ट है वो सा लोगों के सामने रखेगी क्या वो जो काम उन्होंने किए हैं पाँच साल में वो बताएंगे और जिन मुद्दों को वो नहीं कर पाए क्या विपक्षी दल उनको घेरेंगे क्योंकि देखिए जो राजनीति का हमारा स्तर है वो घुमा फिरा कर जातिगत राजनीति पे हो ही जाता है तो क्या इससे ऊपर उठकर जो पार्टियां हैं वो विकास की बात कर पाएंगी और क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो क्षेत्र ये दल हैं ख़ासकर जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो तमाम मुद्दों को कैश कर पाएंगे क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि वो गठजोड़ तो कर लेते हैं आपस में गठजोड़ तो बना लेते हैं कि चाहे छोटे दल बीजेपी के साथ आ जाएं या कांग्रेस के साथ आ जाएं लेकिन वो अपने मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं मुद्दों की राजनीति आप बात कर रहे हैं कि विपक्षी दल को लेकर लेकिन देखा जाए तो विपक्षी दल जो है उनके पास मुद्दे नहीं है क्योंकि तीन धारा तीन को लेकर तीन तलाक को लेकर जो भी बातें आई हैं जो बीजेपी शिवसेना है वो इन मुद्दों को लेकर बातें कर रही है लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे मुद्दे बहुत सारे हैं मुद्दों की अगर बात करेंगे तो मंदी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश में मौजूद है तमाम ऑटो सेक्टर बंद हो रहे हैं तमाम बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं जो रोजगार से वो लोगों के आज से छिंते चले जा रहे हैं तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है तमाम सारे मुद्दे मुद्दों की कमी नहीं है हमारे देश में क्योंकि अभी भी अगर देखें तो तमाम अस्सी लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके अस्सी से सौ रुपए कमा पाते हैं ये आंकड़े सामने आते हैं और बस वो अपनी जिंदगी को चलाने भर के मात्र पैसे कमा पाते हैं तो तमाम सारे मुद्दे लेकिन हाँ देखिए मुद्दों से भट कर कहीं कही ना कहीं जो जातिगत राजनीति है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा केंद्रित हो जाता है मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब तक जो है मुद्दों की राजनीति नहीं होगी जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी और जब तक निजी कटाक्ष होते रहेंगे मोदी जी राहुल को कुछ कहेंगे राहुल जी मोदी को कुछ कहेंगे तो इसका कोई बहुत बड़ा असर मेरे ख्याल से विकास पर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना है ज़मीनी स्तर पर कितना काम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रुति कि आप मैनिफेस्टो बनाते हैं आप घोषणा पत्र बनाते हैं जब भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं आप तो आप वो वक्त होता है पाँच साल के बाद जब आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कि भाई हमने आपसे इन इन चीज़ों को वायदे किए थे इन इन चीज़ों को हमने आपसे कहा था भाई ये करेंगे इनमें से हमने इतनी चीज़ों को पूरा कर दिया लेकिन हाँ अगर कुछ चीज़ रह गई हैं तो हम अगर आप मौका देंगे तो हम अगली बार इसको ज़रूर पूरा करेंगे लेकिन होता क्या है हमारा इन सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ एक दूसरे पर बार प्रतिवार होंगे एक दूसरे के परिवार को लेकर बातें होंगी और अगर बातें होंगी भी तो वो जातिगत बातें हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में मुद्दों की राजनीति होना बेहद अहम और ज़रूरी है किसी भी राज्य किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए और मैं उम्मीद करूँगा शायद महाराष्ट्र और हरियाणा में शायद इस बार विकास की बात हो क्योंकि ज़रूरी ये है जो युवा है जो देश का भविष्य है भविष्य है वो अपने हाथों में काम चाहता है वो रोज़गार चाहता है वो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी कोई योजना है क्या हमने कुछ उनके लिए प्लान किया हुआ है क्या और क्या आने वाले पाँच साल के बाद हमारी स्थिति क्या होगी इसको लेकर तमाम बातें हो सकती है लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि चार विधायक टूट कांग्रेस की तरफ आ गए तो कांग्रेस टूट कर बीजेपी की तरफ आ गए और इसी को पार्टियाँ अपनी जीत हार का मानक तय कर लेती है मेरे ख्याल में इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए अगर दल है राजनीति है तो जाहिर बात है मुद्दों की हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अब जो लोग हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ने की ख्वाहिश है उनकी और अगर ऐसे में अगर हम मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो फिर वही बात होगी कि चले तो सो कोस लेकिन पहुंचे बस दो ही कोस तो यानी कि उसके कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होंगे तो मेरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब प्रचार प्रसार ज़ोर पकड़ेगा तो ज़रूर वहाँ पर विकास की बात होगी ज़रूर वहाँ पर आगे बढ़ने की बात होगी और मैं उम्मीद करूँगा शायद इस बार एक दूसरे पर जो निजी हमले होते हैं शायद वो ना हूँ जैसे कि केंद्र सरकार को ढाल बनाया जा रहा है तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है वो ठंडी पड़ रही है एक तरह से देखा जाए तो जो हल्ला बोल होना चाहिए चुनाव को लेकर तो वो नहीं होना बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ आपसे मुद्दों की कमी नहीं है मुद्दे हजार है तमाम है लेकिन जिस तरह से विपक्ष का हमला होना चाहिए ज्यादा उनको हमला पर होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा हाँ मीटिंग तो जरूर गुपचुप हो रही है कि जा रहे हैं एनसीपी से मीटिंग हो रही है कांग्रेस के जो बाकी नेता है मीटिंग हो रही है लेकिन वो क्या मीटिंग हो रही है मैदान में निकलकर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से बीस दिन का समय है और उससे पहले भी अगर हम एक दिन पहले जो प्रचार प्रसार बंद हो जाता है यानी अठारह से उन्नीस दिन का समय आपके पास है और उसमें भी आप कही कहीं ना कहीं खामोश अगर बैठे हैं इसका मतलब यही है कि पार्टी के अंदर या तो यूनिटी नहीं है पार्टी के नेताओं में या तो एकता नहीं है या पार्टी के लोग जो हैं वो एक मंच पर नहीं आना चाहते तमाम सारी बातें हैं क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो अभी भी कल की खबर है कि छह विधायक जो कांग्रेस के थे वो टूट कर बीजेपी की तरफ चले गए तो यानी कि ये लगातार देखने को मिल रहा है कि चाहे एनसीपी के हों या कांग्रेस के हों वो दल वो जो लोग हैं लगातार टूट कर बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं तो ये सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस के पास जो रणनीति होनी चाहिए क्या जो लोगों को अपने संभालने का सेंस होना चाहिए उनके प्रति जो उनका लगाव होना चाहिए क्या वो ख़त्म हो रहा है क्या वो कांग्रेस पार्टी में अब जो एक विचारों की बात होती थी क्या वो ख़त्म होती चली जा रही है क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो तमाम जो बड़े लीडर हैं खासकर भूपेंद्र सिंह गुड्डा की बात कर लीजिए आप वो तक भी कह रहे थे अब ये कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रही है मुझे परेशानी होती होती है तकलीफ़ होती है लेकिन फिर उसके बाद उनको मनाया गया और फिलहाल वो पार्टी में मौजूद हैं लेकिन तल्ख थे पर उनके भी थे इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं शत्रुघ्न सिन्हा की आप बात कर लीजिए थरूर की बात कर लीजिए तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार मोदी जी का गुणगान करते हुए नजर आते हैं तो ये पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लोग जो हैं वो क्या करना चाहते हैं कांग्रेस का और किस तरह से जो कार्यकर्ता संगठन है उर्मिला मातुड़कर ने करने कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया मिलिंद देवड़ा के बारे में कुछ समझ में नहीं आ नहीं आ रहा संजय नुल्पो क्या कर रहे हैं जो तरह सिंधिया अगर पहुंचे तो वो क्या कर रहे हैं मतलब एक मिला जुला जो एक सबका सपोर्ट होना चाहिए वो कहने कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है साथ में एनसीपी की भी कोई बहुत ज्यादा पकड़ नजर नहीं आ रही बहुत ज्यादा उनकी तरफ से भी कुछ बातें या इस तरह के मुद्दे नहीं रखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहने की विपक्ष आपने सही कहा जिससे ठंडा पड़ा हुआ है कमजोर पड़ा हुआ है वो जरूर शिवसेना और बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव बात हो सकती है तो क्या लगता है आपको तो है आपको कि जिस तरह से नेता छोड़कर जा रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस हार मान चुकी है देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि लड़ने से पहले हार मानने का जो हार मानने वाली बात होती है वो शायद कांग्रेस में हम नजर आ रही है कि क्या लड़ने से पहले ही आप बैकफुट पाना चाहते हैं क्या लड़ना ही नहीं चाहते और लड़ना भी चाहते हैं तो बड़े अनमने ढंग से आपने पहले ही हार मान ली और देखिए मन की जो हार होती है उससे कभी जीत नहीं मिल सकती और कांग्रेस ने मेरे ख्याल में यही मान के बैठ गई है कि चलिए लड़ना फर्ज है वो लड़ लेंगे हम लोग जिन सीटों पर हमें मिला है लड़ने के लिए मौका उन पर लड़ लेंगे लेकिन हां जो एक आक्रमकता नजर आनी चाहिए जो एक तेज तरारी पर नजर आना चाहिए वो फिलहाल कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है जो ये बता रहा है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है क्योंकि कोई भी बड़ा नेता कोई भी बड़ा नाम फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दखल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है खासकर कांग्रेस की तरफ से और जो उनके बच्चों कुछ नेता हैं वो या तो चुप हैं और जो हैं भी वो या तो फिर बीजेपी की तरफ जाने की सोच रहे हैं और या फिर उसमें बहुत सारे लोग जा चुके हैं तो जो कांग्रेस के लिए बहुत परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है नाम की बात की आपने तो जिस तरह से कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराष्ट्र की कमान सौंपी है तो इस पर आप क्या कहेंगे देखिए कमान सौंपी है और स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया उनको ये बोला गया है कि भाई आप जाइए और वहाँ पर लोगों की जो है आप देखिए कौन सा उम्मीदवार तय हो सकता है तो देखिए एक नया राज्य उनके लिए भी है एक नई बात उनके लिए भी है नई भाषागत आधार पर भी उनके लिए अलग तरह का माहौल वहाँ पर होगा तो क्या वो गणित बैठा पाते हैं क्या वो समझ विकसित कर पाते हैं देखना दिलचस्प ज़रूर होगा लेकिन हाँ कुल मिलाकर अगर देखें तो वो जोश वो खरोश फ़िलहाल कांग्रेस में नज़र नहीं आ रहा है कांग्रेस में तो जोश नजर नहीं आ रहा है लेकिन बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो आदित्य ठाकरे जो है वो वर्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आदित्य ठाकरे पहली बार मतलब ठाकरे परिवार से पहली बार कोई सामने आ रहा ये है जी बिल्कुल और है। ये बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं सूबे के क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे तमाम बात उनको लेकर अभी शुरू हो गई है लेकिन देखिए हाँ ये आपने सही जरूर कहा कि ठाकरे परिवार की तरफ से पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो आ, पूरी तरह से राजनीति में आ, शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर बात है जनता का रुख क्या रहेगा जनता किस तरह से उनसे उम्मीद करेगी किस तरह से उनकी उनको जो है ताजपोशी करेगी जीतने के बाद तो ये देखने वाली बात होगी लेकिन हाँ कुल मिलाकर उनकी तरफ से एक नाम का आना ये ज़रूर बता रहा है कि आने वाले दिनों में